सो हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और जैसा कि आप लोग ऊपर की तरफ देख पा रहे कितना खिला खिला सुहाना मौसम हो रखा है। और जैसे इसी खिले खिले में मौसम में गए, मैं जो घूमने फिरने के लिए आया हुआ था, थोड़ा व्हाइट हाउस घूमने के लिए आया था। बट कोई नहीं, यहाँ पर जो है एक सेकंड, यहाँ पर टिंचन उल्लोगा, टिंचन और सिंचन वो खड़े हुए। सिंचन तो कहते यहाँ पर नजारों का मजा ले रहा है। पता नहीं कहते सिंचन नजारों का मजा ले रहा है, भाई पता नहीं क्या करने में लग रहा है। तो कोई नहीं कहते यहाँ पर टिंचन को जो नजारों का मजा लेने देते हैं। और इस बंदर को क्या, अबे इस बंदे को क्या हो गया भाई, अबे सिंचन क्या कर रहा है। वो फिंग भी देखो ना, इस बंदे को करंट लग चुका है। अबे करंट लग गया, क्या बात कर रहा सही में वो फिंग भी। हाँ सच्ची में ये सुबह से ऐसे ही कर रहे हैं। अबे क्या, अबे इस बंदे को हो क्या गया भाई। अरे मैडम जी इस बंदे को क्या हुआ। अरे तुम्हें पता नहीं कि ये सर्कस का बंदा है। अरे सर्कस का बंदा, अरे हाँ ये सर्कस का बंदा है, सर्कस में खेल दिखाता है, आज यहाँ पर दिखा रहा है। अबे सर्कस का बंदा पता नहीं क्या सीन है। अबे भाई मुझे लग रहा भाई पागल वागल हो चुका है। अबे पागल किसको बोल रहा है, तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। अबे यार छोड़ो यार, क्या ये ऐसी की तैसी करेगा। अबे सिंचन आ जाए यार, यार क्या बकवास कर रहा है भाई, सर्कस का बंदा, घंटा सर्कस का। तो कोई नहीं कहा जहाँ पूछे, अबे सिंचन तू आ रहा नहीं आ रहा। थोड़ा वेट तो करो, मेरे को तो देखने में मजा आ रहा है इसको। अबे देख क्या देख रहा है तू, इसका इसमें है कैसे देखने लायक। अबे सिंचन देख मेरे पास जो अभी टोनी भाई को लाई है। वो फिल्म भी कौन टोनी। अबे टोनी स्टार्क यार, वो फिल्म भी वही सार्क। अबे सार्क नहीं टोनी स्टार्क यार। अबे जल्द से आ जा उसके पास, चलते हैं देखते हैं क्यों ही बोला है टोनी भैया। वो फिल्म में अभी चल रहा हूँ जल्दी से। अबे हाँ चल चल जल्दी से आ जा भाई। वो जो बंदर है ना, मतलब बंदा है, वो बंदरों की तरह उछल कूद रहा है। मैं सोच रहा था उसको यहाँ पर लपेट देता। वो फिल्म क्यों ही मार रहे हो बेचारी को। अबे हाँ सिंचन इसने तो कहा मैं जो है मार ही रहा। अबे टिंचन और सुनो क्या हाल चाल है। अरे मैं तो अच्छा हूँ, कहाँ जा रहे हो मेरे को तो बता दो। अबे टिंचन यार वो टोनी भैया बुला रहे हैं। अरे फिर तो चलो ना जल्दी से चलते हैं, उसने हमको कितनी सारी गाड़ी दी है, क्या पता आज भी एक गाड़ी देगा। अबे यार वो गाड़ी देने के लिए नहीं बुला रहा यार। मेरे को तो पता है किस लिए बुला रहा है। अबे किस लिए बुला रहा है, चोरी के लिए और किसके लिए। अबे चल चल यार तुझे तो पता भाई चोरी वोरी यार अब मैंने करनी छोड़ दी है। वो फिंग में देखना आप करोगे अगर वो बोलेगा तू। अबे हाँ यार करनी तो पड़ेगी भाई, मैं करूंगा नहीं यार आपके, अगर तुझे लग रहा मैं करूंगा। वो फिंग में देखना आपके खून में ही चोरी दिखी है। अबे चल 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 यार, खून में चोरी। अरे सिंचन तुम सही बोल रहे हो, फ्रैंकलिन के खून में ही चोरी है, दिमाग में भी चोरी है। अबे चल चल यार भाई खून में चोरी बता रहे भाई। अबे देख यार सिंचन और टिंचन हम बस पहुंचने वाले हैं। फिंग थोड़े देख के चलाइए नहीं। अबे अब तो देख देख के चला रहा हूँ भाई, देख रहा तू मेरी ड्राइविंग कितनी ज्यादा बढ़िया हो चुकी है भाई, मैं देख देख के चला रहा हूँ। फिंग भी देखिए। अबे ले भाई साहब तूने कहा और भाई साहब पहले टक्कर लग चुके हैं भाई, गाड़ी की ऐसी तैसी हो चुकी है। फिंग भी आपके हाथ में जो गाड़ी जाएगी उसकी ऐसी की तैसी ही होगी। अबे सिंचन तू जल्दी से आ जा, मैं तो अंदर की तरफ निकलता हूँ। सिंचन आ रहा ना, फिंग भी आते रहूँ। अरे यार मैं भी आ रहा हूँ। अबे हाँ आ जाओ जल्दी से, टोनी भाई जल्द से बात करता हूँ। और टोनी भाई क्या हाल चाल है। अरे फ्रेंड आ गया यार, तुम इतने देर से तुम्हारा वेट कर रहा था, मैंने कॉल कितने बजे करी थी और तुम कितने बजे आ रहे हो। अरे यार टोनी भाई जल्द से तो आ गया। अरे यार टोनी भाई बीच में ना ट्रैफिक हो रखा था। अरे यार फ्रेंकली ट्रैफिक है बाढ़ में, तुम्हें पता कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। अबे क्या हो गया टोनी भाई बताओ ना। अरे यार तुम्हें पता नहीं है ड्रैकुल्ला के बारे में। अरे हाँ यार ड्रैकुल्ला तुम्हें पता है, सिंचन को किडनैप कर लिया था। अरे क्या बात करो सही में। अरे सिंचन और टिंचन किधर की तरफ है। अबे सिंचन और टिंचन इधर की तरफ ही, आपके तो पीछे ही तो है। अबे तुम इतनी जल्दी यहाँ पर भी आ गए। अरे यार सिंचन तुम्हें किडनैप कर लिया था ड्रैकुल्ला ने। वो टोनी शार्क भैया हाँ मेरे को किडनैप कर लिया था, यहाँ पर तो फ्रैंकी भैया ने मेरी जान बचा ली। अबे फ्रैंकलिन क्या बात कर रहे हो, तुम तो काफी बहादुर बंदे हो यार, तुम्हें तो एवेंजर्स में आ जाना चाहिए। अरे क्या बात करो सही में। अरे हाँ पहले तुम जो है पहले झाड़ू पोछा करना पड़ेगा एवेंजर्स में आने के लिए। अबे नहीं नहीं भाई मेरे को एवेंजर्स में नहीं आना भाई, झाड़ू पोछा करवा रहा है। अरे झाड़ू पोछा तो करना पड़ेगा तेरे को, तेरी सकल झाड़ू पोछे वाली है इसलिए। अबे ब्लैक विडो तेरे से कोई बोल भी रहा है। अरे चल चल चुप कर चुप कर। अबे यार और टोनी भाई बताओ ना काम क्या है। अरे यार इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया, ड्रैकुल्ला के पास काफी तगड़ी गाड़ी है और वो जो है अगले मेगा रैंप में यूज करने वाला है। अरे ड्रैकुल्ला भी मेगा रैंप कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाला है। अरे हाँ यार ड्रैकुल्ला भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाला है, उसको हराने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे यार फिर तो कैसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्या बताओ ना। अरे तुम्हें तो पता है तुम उसके घर पे गए हुए हो। अरे भाई मैं उसके घर पे दोबारा बिल्कुल भी नहीं जाने चाहता, तुम्हें पता है ना उसका घर कितना ज्यादा खतरनाक है भाई, हवेली एक तरीके से। अरे हाँ वही वही यार, तुमको जो उसके घर के अंदर दोबारा से जाना पड़ेगा और वो जो गाड़ी है वो लेकर आनी पड़ेगी मेरे पास। एक बार तुम मेरे पास लेकर जाओगे तो मैं उसको बस इंजन देख लूंगा, और जैसे मैं उसका इंजन देख लूंगा ना वैसे मैं एक डिट्टो गाड़ी बना दूंगा। क्या बात करो टोनी भाई सही में। अरे हाँ सही में यार। अबे लेकिन यार टोनी भाई तुम्हें पता है वो जो ड्रैकुल्ला वो काफी ज्यादा खतरनाक है। अरे ड्रैकुल्ला तो तेरे से भी डर के भाग जाएगा, तेरी शक्ल इतनी काली है। अरे चल चल ब्लैक विडो चुप कर। ओ दीदी सही बोल रही हो, ड्रैकुल्ला तो इसको देख के भाग रहे थे। अबे चल चल सिंचन चुप कर यार, फ्रैंकलिन का नाम है ड्रैकुल्ला रख दो ना। अबे चल चल। अबे भाई सबके सब भाई चिढ़ाने लग रहे हो मेरे को। अरे फ्रैंकलिन यार तुम्हें तो पता है यार तुम ड्रैकुल्ला से कम हो क्या। अरे क्या बोल रहे हो टोनी भैया। अरे नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं यार, मेरे मुंह से फिसल गई क्या बताऊं। अरे हाँ चलो कोई नहीं। अबे ये एक सेकंड, ये पीछे की तरफ जो है ये स्पाइडरमैन ये ठोका ठाके क्या करने में लग रहा है। अरे तुम्हें पता नहीं क्या यहाँ पर जो है स्ट्रेंज का एक हाथ टूट चुका है। अबे भाई हथौड़े से ठीक कर रहा है। अरे हाँ हथौड़े से कील व्हील लगा रहा है। अबे भाई साहब हथौड़े से हाथ ठोक रहा है भाई। तो और कैसे ठोकते हैं हाथ,
मुझे तो लगा था ऑपरेशन ऑपरेशन होता है। अरे वो बच्चे करवाते हैं यार, यहाँ पर जो हथौड़ा ठोकते हैं। अबे भाई साहब, भाई क्या बात कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, तुम तो सीरियस हो जाते हो फ्रैंकलिन यार। फिंग भाई तो सीरियस हो जाते ही। अबे मैं सीरियस नहीं हो रहा। अबे टोनी भाई बताओ ना क्या करना है फिर। अरे यार तुमको जाना वो जो गाड़ी बस वो चुरा के लानी है। तुमको पता ना जो ड्रैगुला है वो रात में जगते और दिन में सोते हैं। अबे हाँ यार, तो क्या तुम्हें पता ना दिन हो रहा है तो ये काफी अच्छा मौका, तुम उसी केव के अंदर जाना और वो जो गाड़ी वो चुरा के लेके आ जाना सीधा मेरे पास। अबे हाँ यार, ये तो सही कह रहा हूँ। सिंचन और टिंचन तुम दोनों चल लो ना। अरे यार मैं तो चलूंगा तुम्हारे साथ, फिंग मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, अब तो ड्रैगुला की ऐसी ऐसी कर देंगी। अबे हाँ यार, अब आ जा भाई। अब भाई मेरे को जो है उसकी कमजोरी पता चल चुकी है। मेरे को पता नहीं था कैसे जो ड्रैगुला लोग होते हैं ना वो कैसे दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं भाई। और भाई यार मैं सिंचर को बचाने के लिए रात में गया था, इसलिए कहते वो जग रहा था। अबे यार सो रहा हुआ भाई वो, अब जल्दी से आ जा। अरे यार मैं भी अरे हूँ। अबे हाँ यार जल्दी से आके बैठ जा। अबे सिंचन एक बात बताइए, ड्रैगुलाओं के पास पावर वावर भी होती है क्या? तो फिंग भी और के पावर नहीं होंगी तो कैसे ही इनका काम चलेगा, धंधा कैसे चलेगा इनका? अबे धंधा वो फिंग भी और क्या। अबे चल चल चुप कर यार, अब टोनी भैया का ये काम कर देते हैं भाई साहब। बट कोई नहीं, अब जो मेरे को इनकी कमजोरी पता चल चुकी है, दिन में ये बाहर निकलते नहीं है। और भाई साहब यहाँ पर जो है मैं एक टॉर्च भी ले लूंगा भाई, टॉर्च मार दूंगा यार उसके सामने। फिंग भी ये तो अपनी काफी तगड़े दिमाग लगाया है। अबे हाँ सिंचन, जिस चमगादड़ होते हैं ना जैसे बैटमैन होता है, ऐसे ड्रैगुला भी होते हैं ना। फिंग भी हाँ सच्ची कहा अपनी। अबे हाँ यार इस ड्रैगुला की तो ऐसे की तैसी, अब देख मैं कैसे जो है इसकी ऐसी की तैसी कर दूं। फिंग भी सच्ची में ऐसी की तैसी कर दूंगी ना। अबे हाँ सिंचन, अब तो देखते जा बस। देख सिंचन हम बस पहुंचने वाले हैं और भाई साहब सामने तरफ जो है वो ड्रैगुला का मेरे को घर दिख चुका है। वो फिंग भी तो काफी खतरनाक है, मेरे को नहीं जाना। अरे यार मेरे को भी नहीं जाना। अबे यार तुम्हारी हालत ही खराब हो रही है यार, तुम आने के लिए जिद कर रहे थे। बट कोई नहीं गजर, अब सिंचन मैं ना गाड़ी को अंदर की तरफ लेके चलूंगा डायरेक्टली। ओ भाई साहब इसका घर भाई देख के ना मेरी भी हालत खराब हो जाती है भाई। टोनी भैया का ये वाला काम और कर देते हैं भाई, मैं फिर भटकूंगा भी नहीं। बट कोई दिक्कत की बात नहीं गजर, यहाँ पर जो मेरे हाथ में टॉर्च है और लास्ट टाइम भाई मेरे पास ना रे मिनी गन थी, तो गजर अब भी वैसे मैं जो है ना वो उस टाइम आई थिंक सो रहा होगा यार। वो फिल्म की बात करें सच्ची में। अब हाँ सिंचन वो सो रहा होगा। बट कोई नहीं गजर, यहाँ पर ऊपर की तरफ जैसे चल लेते हैं, यहाँ पर हम ऊपर की तरफ तो आ चुका हूँ। अब देख सिंचन हम जो है उसी केव के अंदर आ चुके हैं। तो कोई नहीं गजर, यहाँ पर गाड़ी को जैसे लगाता हूँ और गजर यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा है। बट कोई नहीं गजर, वैसे भी ना मैं अपने हाथ में टॉर्च पकड़ लेता हूँ। बस सिंचन और टिंचन तुम मेरे पीछे हो ना, फिंग में हमारी आंखें खराब करोगे क्या? अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी यार, मुझे लगा तुम पीछे की तरफ नहीं हो। बट कोई नहीं गजर, यहाँ पर जो मेरे हाथ में टॉर्च है, गजर मैं उसके ऊपर टॉर्च मार दूँ ना तो गजर यहाँ पर जो वो खुद ही मर जाएगा। बट कोई नहीं, सिंचन तो आ रहा है ना, फिंग में आते रहो कैसे ही करोगी, फिंग में गाँव के गन है। अब गाने वाने मत का भाई यहाँ पर, तू फंसवाएगा क्या? बट कोई नहीं गजर, यहाँ पर जैसे आगे तरफ निकलता हूँ और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वो जो ड्रैगुला है ना वो किधर की तरफ है। बेटा बचने नहीं वाला आज। ओके गजर, यहाँ पर जो आगे तरफ मेरे को कोई बंदा दिख रहा है, बंदा दिख रहा है, पता नहीं बंदा क्या करने में लग रहा है। सिंचन तू आ रहा है ना, वो फिंग में आते रहे हूँ। अच्छा तुम दोनों मेरे पीछे आ रहे हो। अरे यार मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। अबे हाँ तुम पीछे पीछे आते रहो भाई, ड्रैगुला सो रहा है यार ये रहा। वो फिंग में क्या बात कर रही हो। अबे हाँ सिंचन ये ड्रैगुला सो रहा है गजर, अभी ना दिन का टाइम है तो वैसे इसलिए सो रहा है और भाई हाथ हिला रहा है भाई ये सोते हुए। ओ भाई साहब, वो फिंग में चलो ना इसको उठा देते हैं। अबे नहीं नहीं भाई उसको उठाना नहीं है, सिंचन दबे दबे पाँव आ जा। ओ भाई साहब इसकी गाड़ी जो मेरे को दिख चुकी है, ये वाली गाड़ी जो है ये रैंप पे ले जाना चाहता है। और भाई कितनी तगड़ी गाड़ी यार, सिंचन जल्द से गाड़ी के अंदर आके बैठ जा भाई, मैं जल्द से निकलता हूँ। वो फिंग में मैं आके बैठ रहा हूँ। अरे मैं बैठ रहा हूँ, टिंचन तुम क्या आगे बैठ गए मेरे को बैठने। अबे सिंचन तू ऊपर की तरफ आके बैठ जा, कोई बात नहीं। तो कोई नहीं गजर, यहाँ पर जो ना गाड़ी को चुपचाप लेके निकलते हैं गजर, यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़िया सीन हो चुका है। और भाई साहब यहाँ पर जो ना हमने गाड़ी जो चुरा लिया फाइनली, वो फिर थोड़ी दिक्कत चलेगी ना। अबे ले यार सिंचन, तूने देखने की बात कही है, और भाई मैं गाड़ी को उधर कैसे लेके जाऊंगा यार, फिंग भी यहाँ तो रास्ता बंद है। अबे हाँ सिंचन भाई ड्रैगुला ना उठ जाए, वो फिंग भी थोड़ी देख के चलेगी। अबे यार इतनी आवाज कैसे कर रही है भाई गाड़ी। बट कोई नहीं गजर, यहाँ पर बाहर तरफ इसको लेके चलते हैं भाई, बाहर जाने का रास्ता मेरे को कहीं पर भी नहीं दिख रहा, वो फिंग थोड़ी देख के चलेगी ना। अबे ले सिंचन मेरे को जो है बाहर जाने का रास्ता दिख चुका है। अबे सिंचन तो उसकी गाड़ी देख रहा है, इसकी गाड़ी का जो कलर है इसकी जो इसका जो महल का कलर है ना वो एक जैसा है। वो फिंग भाई हाँ सच्ची बोली हूँ, दोनों का कलर नीला नीला है। अबे हाँ सिंचन, फिंग मेरी चड्डी का कलर भी नीला है। अबे हाँ यार तो सही बोल रहा भाई, तेरी चड्डी का कलर भी नीला है। बट कोई सिंचन तू वैम्पायर तो नहीं है ना, वो फिंग में क्या बात कर रहे हो। नहीं मैं नहीं। अबे यार मेरे को डरा क्यों रहा है यार। बट कोई यहाँ पर जो गजर गाड़ी को लेकर जैसे निकलते हैं और भाई सब क्या पीछे की तरफ जो भाई मैं दोबारा से देखूंगा भी नहीं भाई, जैसे निकलते हैं यहाँ से। वो फिंग में देखो तो पीछे की तरफ। अबे हाँ ले देख लिया भाई, अब डर मार रहा है क्या भाई, मैं तो गाड़ी लेके आ चुका हूँ। तो कोई नहीं गजर, यहाँ पर गाड़ी को लेकर चलते सीधा गजर टोनी भैया के पास। और टोनी भैया के पास ले जाने से पहले सिंचन इसका रैंप टेस्ट करेगा, वो फिंग में तो कहते हैं कर लेते हैं। तो गजर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो गजर यहाँ पर मैं और
किंचन और सिंचन आ चुका है जब तगड़े से रैंप के ऊपर। अब भाई मैं भी तो देखूं यार इस गाड़ी में ऐसा कितना ही दम है भाई, ड्रैकुल्ला की गाड़ी है तो कोई ओ भाई भगना चाह रही है। बट कोई कहते यहाँ पर जो बड़े प्यार से मैं कुदा आने वाला हूँ, ओ भाई भाई बड़े प्यार से जो मैंने कुदा दिया। सिंचन तू पकड़ के बैठ रही हो तो फिर मैं तो पकड़ के ही बैठे हूँ। अब भाई सब कितनी तेजी में जो है गाइजर गाड़ी की स्पीड 500 क्रॉस कर चुकी है भाई, तो फिर क्या बात कर रही हो। अब भाई 500 क्रॉस कर चुके भाई साहब, फिर भाई आपकी टिट्टी क्यों निकल रही है? अब मेरी क्यों निकल रही है भाई? बाकी तो यहाँ पर जो है गाइजर गाड़ी काफी तगड़ी है और हवा से बातें कर रही है। अब सिंचन तू देख रहा है, ओ भाई भाई गाइजर गाड़ी काफी तो मस्त है भाई। इस गाड़ी ने तो गाइजर यहाँ पर जो है ना थैन उसी गाड़ी को भी जो है मार दे दिया। वो फिर भी क्या बात करी? अबे हाँ सिंचन भाई गाड़ी काफी तो मस्त है। वो फिर भी चलने इसको टोनी भाई के पास लेके चलते हैं। अबे हाँ सिंचन गाइजर इसको जो टोनी भाई के पास लेके चलते हैं। और भाई गाड़ी में जो कुछ भी नहीं हुआ है, गाड़ी की जो लैंडिंग है कितनी तो मस्त हो चुकी है। वो फिर भी अपनी तो गाड़ी की ही ऐसी तैसी कर दी। अब कहा हूँ यार थोड़ी बहुत हुई है, देख सिंचन हम बस पहुंचने वाले हैं टोनी भाई के पास। वो फिर भी जल्दी से लेके चलो ना, मेरे को देखनी है। अब क्या देखना भाई? वो फिर भी मेरे को देखना है टोनी भाई इस गाड़ी कैसे बना देंगी। अब हाँ यार ये भी तो मेरे को देखना है। फिंग भाई आपको तैरने का मन कर रहा है क्या? अबे मेरे को क्यों तैरने का मन कर रहा होगा भाई? फिंग तभी तो आप उधर की तरफ जा रहे थे समुद्र की तरफ। अबे नहीं नहीं यार वो थोड़ा सा पैर फिसल गया। फिंग भाई क्या फिसल गया? अबे यार मतलब थोड़ा स्टेयरिंग से हाथ फिसल गया। सिंचन तो खाना चाह रहा है, बट कोई सिंचन टिंचन तुम भी जल्द से अंदर की तरफ आ जाओ। यहाँ पर मैं अंदर की तरफ निकलता हूँ। लो भाई सब ये रे भाई सब टोनी भैया भी यहीं पर है। अरे फ्रेंकली तुम आ गए क्या यार? अरे हाँ टोनी भैया तुम्हारा काम हो चुका है। अरे क्या बात करो सही में? अरे हाँ यार भाई साहब यहाँ पर जो ना वो ड्रैकुल्ला सो रहा था। अरे क्या बात करो, मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि दिन में ड्रैकुल्ला लोग सोते हैं और रात में जगते खून पीते। फिंग भैया आप ड्रैकुल्ला से कम हो क्या? अबे चल चल चुप कर यार, तू तो भाई दिमाग खराब करता रहता है। अबे टोनी भैया मेरे को कोई गिफ्ट में गाड़ी मिले क्या? अरे मैंने तुमसे कहा था कि गिफ्ट में गाड़ी लेने के लिए। अरे नहीं कहा तो नहीं था। अरे तो अपना मुंह बंद करो यार फ्रैंकलिन, तुमको मैंने लास्ट टाइम एक गाड़ी गिफ्ट करी थी ना। अब भाई हाँ यार गाड़ी गिफ्ट तो कर दी, तो यार तुम्हारे जो पेट नहीं भरते क्या गाड़ियों से? अब भाई यार मैं सिंचन और टेंशन के लिए मांग रहा था। तो फिंग भाई बस करो हम खुद ही मांग लेंगे, आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब भाई चल चल ठीक है ठीक है। अब सिंचन तुझे लास्ट में कुछ बोलना है क्या? तो गाइस वीडियो को जाकर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो गाइस आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे लगे अच्छे लाइक कर देना, चैनल बंद सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ उसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।